सदर पुलिस ने थाना प्रभारी के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से मुख्य आरक्षी रोहित और मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक के नेतृत्व में पानीपत से एक भगोड़े को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी भगोड़े का नाम गगन उर्फ गिनी है, जो वर्ष 2012 में एक नाबालिग को भगाकर ले गया था और बाद में उसके साथ बलात्कार करके भाग गया था। वर्ष 2012 में जब नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की बेहद तलाश की, परन्तु कभी भी पुलिस के हाथ आरोपी के गिरेवान तक नहीं पहुंचे और अदालत से आदेश प्राप्त कर आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पिछले 6 महीने से लगातार सदर पुलिस आरोपी के बारे में लगातार जानकारी हासिल कर रही थी। 2 बार पुलिस ने संबंधित ठिकानों पर रेड भी की, परंतु आरोपी हाथ न आया, जो पानीपत में एक ट्रक यूनियन में वेश बदलकर ड्राइविंग कर रहा था और अक्सर लॉन्ग रूट पर बाहरी राज्य में जाता रहा। परंतु इस बार पुलिस ने स्टिक जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को अदालत में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाएगा। शिकायतकर्ता को अब 6 वर्ष बाद न्याय की उम्मीद बंधी है। आरोपी के खिलाफ धारा 174 के तहत एक और मामला भी दर्ज किया गया है। पिछले कल सदर पुलिस को एक भगोड़ा पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ये भगोड़ा 2012 का था। 363, 366 और 376 का आरोप इस भगोड़े पे लगा था। इसका नाम है गगन। ये स्कोर का रहने वाला है और पिछले 6 सालों से ये पुलिस की पहुंच से बाहर था। काफी प्रयास इसको पकड़ने के लिए किया गया। मुख्य आरक्षी रोहित और मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक के नेतृत्व में एक टीम पानीपत भेजी गई थी और करीब पिछले 5-6 महीने से हम लोग इसके पीछे लगे थे और जब हमें प्रॉपर स्टिक जानकारी मिली तो इसको पानीपत से पकड़ा गया है और पकड़ के आज यहां मंडी पहुंचा दिया गया। आज इसको अदालत में पेश किया जा रहा है और 3 दिन का पुलिस रिमांड इसमें लिया जाएगा।